हेलो एवरीवन, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन ये छोटा वीडियो रहेगा। तो पहले हम हाइपर कंजुगेशन का हल्का सा ओवरव्यू दे लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, जब भी आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उसके नेक्स्ट कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और यहाँ पे इसके पास कौन सा एच प्रेजेंट होता है, तो अल्फा एच प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलेंगे अल्फा एच। तो ये अल्फा कार्बन हुआ, इसको बोलेंगे अल्फा एच। अगर अल्फा एच प्रेजेंट है तो इस केस में क्या होता है, इसका जो पी ऑर्बिटल है ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है। अब होगा क्या, ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट करता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है इसको ये डोनेट कर रहा है। सिग्मा बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है, जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये इस यहाँ पे ये डोनेट कर रहा है और इस तरह से अल्कीन को स्टेबलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे ये हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, या फिर जो फील्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट होता है इस इफेक्ट में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड रहेगा नहीं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं और ये एच प्लस हो जाएगा, इसके पास कोई बॉन्ड नहीं है और इसको क्या करेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से ये स्टेबलाइज कर रहा है अल्कीन को। इसी तरह कार्बो कैटायन में देखते हैं, कार्बो कैटायन में सेम चीज होता है, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे सेम बातें होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, इससे क्या होगा ये स्टेबलाइज करेगा कार्बो कैटायन का। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब रिवर्स हाइपर कंजुगेशन को समझते हैं, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, आगे बात करेंगे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन को अच्छे से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है, कार्बन है आपके पास, उसके बाद जो कार्बन यहाँ पे ये दिख रहा है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज, और यहाँ पे अगर बात करें ये जो एक्स जो एलिमेंट है ये जनरली आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, क्लोरीन होगा जनरली, या फिर फ्लोरीन हो सकता है, तो जनरली आपके पास क्लोरीन ही मिलेगा। तो इस केस में क्या करेगा, क्लोरीन ही रहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही रहेगा। इस केस में क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन जो होता है उसका ये रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो एक्स जो है, ये जो क्लोरीन है आपके पास, ये क्या करेगा, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसको अपने साथ लेके जाएगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा आपके पास, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, इस तरह का सिस्टम होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका कौन सा नेचर होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग नेचर होगा। कौन सा नेचर होगा इसका, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग नेचर, इसको आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट लिखेंगे, पहला तो ये ऑपरेट्स इन रिवर्स डायरेक्शन, ऑपरेट्स इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में ये ऑपरेट होता है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हैज इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग नेचर, इसका कौन सा नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग नेचर। इसको और अच्छे से समझेंगे हम किस केस में, जब तीन सीएल लगा रहेगा उसके साथ, किसके साथ, बेंजीन के साथ। मतलब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे क्यों वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, समझना है पहले। यहाँ पे आपके पास कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन है, जनरली आपके फ्लोरीन के साथ नहीं देखा जाता है, सिर्फ क्लोरीन के साथ ही देखा जाता है ये इफेक्ट। तो यहाँ पे ये क्लोरीन, यहाँ पे ये क्लोरीन, यहाँ पे CH2। अब इस केस में क्या हो रहा है जरा देखें, ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये क्या करता है, अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन लेकर के सीएल माइनस के रूप में निकलता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन का इधर शिफ्टिंग होगा। तो होगा क्या, इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो क्या करेगा, यहाँ पे सीएल माइनस है और यहाँ पे सीएल, और इस केस में क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये इसका एक स्ट्रक्चर हो गया, ये काम ACL भी कर सकता है, तो
तो आप दूसरा स्ट्रक्चर खुद बनाना, हम यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। ये पहला स्ट्रक्चर था, दूसरा स्ट्रक्चर में यहाँ पे हम बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा स्ट्रक्चर आपको बनाना है खुद, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे बॉन्ड कर रहे हैं, यहाँ पे ये Cl- के रूप में निकलेगा और यहाँ पे ये बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पे इसका तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, कितने रेजोनेटिंग नहीं बनेंगे, हाइपर कैलिवेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तीन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका कौन सा नेचर ऑपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सिंपल सा अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे अगर CH3 है, तो यहाँ पे ये अगर हम CH3Cl के साथ ट्रीट कर रहे हैं और NHydrAlCl3, तो इस केस में जो प्रोडक्ट आपके पास बनता है, यहाँ पे एक ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन में क्या लग जाता है, यहाँ पे CH3 लगेगा, यहाँ पे CH3 और दूसरा कहाँ पे लगता है, पैरा पोजीशन में लगेगा, यहाँ पे CH3 लगता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट क्यों बनता है, तो क्यों बनता है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एच प्लस के रूप में निकलता है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर से होता है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब ऑर्थो पारा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रहा है प्लस एच इफेक्ट के वजह से, किसके वजह से, प्लस एच इफेक्ट के वजह से, इसलिए ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है और इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास तीन क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन दिया, आपको समझाते हैं। तो पहले इसका रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इसका इफेक्ट को जरा देखेंगे कि क्यों ये मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास तीन Cl है, कितना Cl है, तीन, और यहाँ पे पाइलेक्ट बेंजीन रिंग बना हुआ है। इस केस में क्या करेगा, इसका रिवर्स हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे Cl माइनस हो गया, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। अब इस केस में क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट करेगा, यहाँ पे क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस तरह का अरेंजमेंट होगा। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है, यहाँ पे इस केस में तो रेजोनेंस भी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये Cl- के रूप में निकलेगा और यहाँ पे ये Cl और ये Cl एक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे इस तरह का नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा आपके पास, पहला में ये निकला था, फिर ये निकला, फिर ये निकलेगा। तो यहाँ पे आपके पास अगर टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बोले तो इसको भी कंसिडर करेंगे तो चार होगा, लेकिन अगर इसको छोड़ करके बोले तो तीन होगा। तो अगर बात करें सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे ये Cl माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये Cl माइनस के फॉर्म में निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले करके निकल रहा है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, अब जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो अगर इस केस में देखें, अगर ऑर्थो पारा आपको समझ में आ रहा होगा, तो जहां पे ग्रुप लगा रहता है उसके दोनों एडजेसेंट वाले को हम बोलेंगे ऑर्थो, इसको बोलेंगे मेटा और इसको बोलेंगे पारा। तो अगर आपको दिख रहा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे कहां कहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम है, और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अप्रोच करता है, वहां पे अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहीं पे अटैक करेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास CCl3 है, और इस केस में अगर हम बात करें इसको हम CH3Cl के साथ अगर ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा मेटा पोजिशन में यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट, AlCl3 यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ। तो इस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा मेटा पोजिशन में CH3 लगेगा। तो ये बात आपको समझना होगा रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, जिस तरह हाइपर कंजुगेशन होता है इसका यहाँ पे
रिवर्स फॉलो करता है। यहाँ पे ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों होता है इसका रीजन आपको बताएं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है? तो ऑर्थो पारा पोजीशन से। तो ये है कंसेप्ट रिवर्स हाइपर कंजुगेशन को, आपको समझ में आया होगा रिवर्स हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। तो और भी कुछ वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन।